तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मछली के जैसी दिखने वाली रेसिपी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बनाने वाले हैं लौकी से। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी हमने लौकी से बनाई है और देखने में आपको बिल्कुल ये मछली की तरह ही दिख रही होगी और टेस्ट तो इसका मछली से भी कई ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक लौकी ली है क्योंकि लौकी से हम मछली बनाने वाले हैं। तो लौकी हमने मीडियम साइज़ की ली है, ना ही ज़्यादा बड़ी ली है और ना ही ज़्यादा छोटी ली है। इसे हमें पील कर लेना है। तो लौकी का छिलका थोड़ा डार्क हो रहा है, लेकिन ये हम इसे पील करेंगे ना तो बिल्कुल क्लीन निकल आएगी अंदर से। आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल क्लीन निकल रही है। तो लौकी को हम पील कर लेंगे और पील करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन निकल आई है। तो हम इसको दो पीसीस में कट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक बाउल लिया है और यहाँ हम लेंगे ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर की हेल्प से हम इसे ग्रेट करेंगे। आप इसमें बड़ा वाला ग्रेटर भी ले सकते हैं, आपके पास घर पर जो भी ग्रेटर हो उससे आप इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो टुकड़ों में लौकी को कर लिया है, अब इसे हमें ग्रेट करना है। तो अब हम लौकी को एक साइड रखेंगे और इसे अब हम ग्रेट कर लेंगे। तो लौकी हमने बिल्कुल सॉफ्ट और ताज़ी ली है, तो आप देख सकते हैं इसमें किसी तरह के बीज वगैरह नहीं है। बहुत ही आसानी से इस तरह से ये ग्रेट हो जाती है। इसे ग्रेट होने में देखिए बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो एक पीस मैंने लौकी का ग्रेट कर लिया है, दूसरा पीस भी हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लौकी ग्रेट हो जाती है और यहाँ हमने पूरी लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अभी लौकी में काफ़ी पानी है और पानी को हमें निकालना है, तो हम इस तरह से मुट्ठी में बांधते हुए इसको दबाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पानी इससे निकल रहा है, तो हमें पानी इसका सारा निकाल लेना है। और पानी सारा हम निकालते हुए एक बर्तन में इसे रखते जाएंगे, बाकी का भी सेम हम इसी तरह से दबाते हुए पानी निकालेंगे और इसको भी हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से सारी लौकी को निचोड़कर हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें हमने जो लौकी को निचोड़ लिया है ना इस बाउल में डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 6 चम्मच भर के बेसन। तो बेसन पहले हम 6 चम्मच डालेंगे, अगर कम लगेगा ना तो बाद में और भी डालेंगे, क्योंकि लौकी से काफ़ी पानी निकलता है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें बेसन मिलाना है। अब आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिलाते हुए इसे हमें डो फॉर्म में लाना है। तो सारे मसाले अच्छे से लौकी में हमें मिला लेने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से हमने सारे मसालों को मिला लिया है लौकी में, और थोड़ा सा मुझे इसमें बेसन कम लग रहा है तो इसमें हम सिर्फ 1 चम्मच और बेसन डालेंगे। इसमें हमें और भी बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 ही चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे इसे चिकना करने के लिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से डो फॉर्म में आ जाए और अच्छे से चिकना हो जाए। अच्छे से डो फॉर्म में हम इसे ले आएंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हुए हम यहाँ इसे डो फॉर्म में ले आए हैं और ये थोड़ा स्टिकी ही रहेगा क्योंकि इसमें हमने लौकी मिलाई है ना, तो ये थोड़ा स्टिकी रहेगा। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और छोटे छोटी सी बॉल्स लेंगे इस तरह से, और बिल्कुल मछली वाला हम इसमें शेप देंगे बिल्कुल गोल करते हुए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने गोल इस तरह से मछली वाला शेप दे दिया है। अब हमें बीच में तो इसके होल नहीं करना है, थोड़ा साइड में ही होल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक पीस हमने मछली का तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी लौकी से मछली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से दूसरा भी पीस हम आपको बनाकर दिखाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आप प्रोसेस कर लेंगे। ये देखिए एक और पीस बनकर तैयार हो गया है। तो सारे पीस हम इसी तरह से ही आपको तैयार कर दिखा देंगे।
तो फ्रेंड्स हमने सारे पीसीस रेडी कर लिए हैं और आपको देखने में बिल्कुल ही ये मछली की तरह ही दिखाई दे रहे होंगे, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसके लिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है तो स्पैचुला की हेल्प से एक एक पीस को हम डालेंगे, क्योंकि हाथों से ये टूट सकते हैं। तो स्पैचुला की हेल्प से हम इसे डालते जाएंगे तो आसानी से ये फ्राई होंगे, क्योंकि पहले हमें इसे फ्राई कर लेना है। जिस तरह से हम मछली को पहले फ्राई करते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इसे भी फ्राई कर ही बनाना है, तो ही ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो और एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाता है ना, तो हमें इसे फ़्लिप करते जाना है। एक एक करके फ़्लिप करेंगे, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और आप देख सकते हैं ये चिपकते भी नहीं हैं, अच्छे से फ्राई हो जाते हैं ये पीस। तो इस तरह का जैसे ही हल्का सा लाइट कलर आने लगता है तो हम इसको फ़्लिप करते जाएंगे। तो यह एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है, अब दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाता है, तो अब हमें इसे निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और एक एक पीस को हम निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखने में कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये टेस्टी मज़ेदार से मछली के पीसेस को हमने लौकी से बनाकर तैयार करा है। सारे पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं तो अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने यहाँ 3 स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी, इसे हमने कट कर लिया है। 3 हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अदरक का टुकड़ा लिया है छोटा, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और कुछ लहसुन के जवे लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली सरसों राई, और इसे साथ में इसमें डाल देंगे और साथ में ही डालकर सारी चीज़ों को एक साथ में ही हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेने के बाद हमने एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। और साथ में एक और तैयारी करेंगे, एक बाउल लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप दही। दही हमने गाढ़ा वाला लिया है और मीठा लिया है। और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे तीखी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा ही चम्मच हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अच्छा गाढ़ा सा हमारा बैटर बन गया है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो जिस कप से हमने दही को नाप के डाला था ना, उसी कप से हमें डाल देना है पानी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भी हमारा अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब इसे भी हम एक साइड रखते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल हमें 2 बड़े चम्मच डाला है। और थोड़े से हम इसमें डालेंगे मेथी सीड्स, इसे डाल देंगे, इसे क्रैकल होने देंगे। जैसे ही ये क्रैकल हो जाते हैं तो इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाले प्याज के साथ में पीस कर रखे थे ना, वो डाल देंगे। और पानी भी डालकर थोड़ा सा निकाल लेंगे। अभी इसमें हमें और कुछ ऐड नहीं करना है, अभी हमें इसे सिर्फ 10 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। फिर 10 मिनट बाद हम आपको चेक कर दिखाएंगे। तो कवर कर देंगे, फिर 10 मिनट बाद हम चेक कर देखेंगे। तो जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं, आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अच्छे से इसे हम चला लेंगे। तो अच्छे से मसालों को हमने चला लिया है। अब हमने जो दही के साथ में पेस्ट बनाकर रखा था ना, उसे डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर भी निकाल लेंगे। अब साथ में ही मसालों को हमें भून लेना है। अब मसालों को हमें जब तक भून लेना है जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है और ऑयल भी सेपरेट होने नहीं लगता, जब तक हमें इसे भूनना है। तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से रख कर छोड़ेंगे, क्योंकि हम 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। बीच में हम इसे 1 से 2 बार चला भी लेंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद जब हम चेक करेंगे ना, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए। तो हमने इसे बीच में 1 से 2 बार अच्छे से चला भी लिया था। तो आप देख सकते हैं मसालों से अच्छी से खुशबू भी आना शुरू हो गई है, वो मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं।
अगर आपके मसाले तले पर लगने लगते हो ना, तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि मसाले तले पर लगे नहीं। तो यहाँ मैं भी थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे कि मसाले तले पे नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी हमें और भी इसे भून लेना है। तो अच्छे से पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इसमें अभी नमक ऐड नहीं करा था, अब हम नमक ऐड कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें और कुछ अभी ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो फ्लेम पर हम इसे वापस से कवर कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, और बीच में हम एक से दो बार चला भी लेंगे। तो स्लो फ्लेम पे इसी तरह से छोड़कर रखेंगे। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। देखिए आप ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि मसाले तले पर लगे नहीं। पानी की ज़रूरत होगी तो हम पानी भी इसमें थोड़ा सा डालेंगे, तो अभी इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हमने 20 से 25 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने यहाँ पर लौकी की फ़िश बनाई थी ना, इसे हमें ग्रेवी में डाल देना है। तो ग्रेवी में एक एक करके हम फ़िश के पीसेस रखते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी में भी जो हमने लौकी की फ़िश बनाई है ना, इसका टेस्ट उतर आएगा। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आपको ग्रेवी जितनी रखनी हो आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ आधा ही कप पानी डाला है। अब हल्का सा चलाते हुए हम इसे कवर कर कर रखेंगे ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए, और अच्छे से इसका जो लौकी को हमने फ़िश बनाई है ना लौकी की, इसमें अच्छे से इसका टेस्ट उतर आए। तो कवर कर देंगे और कवर करके हम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे साथ में ही पकने देंगे ग्रेवी के साथ में। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल बहुत ही अच्छी तरह से सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हमारी लौकी की फ़िश है ना, वो भी अच्छे से मसालों में पक गई है। बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ गया है और बहुत ही अच्छी दिखाई भी दे रही है। जो हमारी लौकी की फ़िश है ना, इसमें पूरा टेस्ट हमारी ग्रेवी में उतर आएगा, और बहुत ही टेस्टी ये हमारी लौकी की फ़िश बनकर तैयार होगी। तो अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और ऑफ़ करके कवर करके 5 मिनट 7 मिनट के लिए बस इसी तरह से ही छोड़ेंगे। क्या होगा, इसे ऑयल पूरी तरह से उतर आएगा, फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ऑयल हमें सेपरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसे हमें सर्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये नहीं लग रही कि हमने इसे लौकी से बनाया हो, बहुत ही अच्छी हमारी लौकी की फ़िश बनकर तैयार हुई है। और ये टेस्टी मज़ेदार सी लौकी की फ़िश आप जिसे भी खिलाएंगे ना, उसे यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसे लौकी से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनती है, और देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी लौकी से बनी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स इस टेस्टी मज़ेदार सी लौकी की फ़िश की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी इस टेस्टी मज़ेदार सी लौकी की फ़िश की रेसिपी कैसी लगी।